जी क्या कर अरे क्यों मार रहा है? रुको रुको, अरे भाई साहब क्या हो रहा है? अरे बीच में कहां से आ गए? छोड़ो छोड़ो, अरे भाई साहब छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो भाई साहब, कौन हो तुम? अरे यहाँ पे शूटिंग हो रही है, शूटिंग। अरे सर आपको लगा नहीं? अरे फोन भाई कहाँ हो? पानी पिलाओ सर को। क्या हो गया सुरेश? देखो ना सर, कौन है भाई आप? तमाशा हो रहा है क्या कोई? यहाँ शूटिंग चल रही है, शूटिंग। पहली बार आया लगता, डे लाइट निकलती जा रही है, टाइम नहीं है मेरे पास, पूरा शेड्यूल खत्म करना है, समझे कि नहीं? फ्रेश होना नहीं चाहिए। चलो चलो, टेक 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 टेकिंग। अरे चलो देखे, असली हीरो पहली बार। मेकअप जल्दी भाई, उसके शॉट ले लो जल्दी भाई। थैंक यू, आपने तो आज मेरी इज्जत बचा ली। अगर आप नहीं होते तो ये मेरे डिजाइनर कपड़े फटने ही थे। अरे फिल्मी सही, लेकिन यही तो होना था, इसमें चौंकाने वाली क्या बात है? Anyway, I'm Kashmera. Kashmera Shah. Right, सही पहचाना। लगता आप दोनों मुंबई के नहीं हो, वरना ऐसी घटनाओं पे चौंकते नहीं। क्या आप अपने हनीमून पे आए हो क्या? आप मियां बीवी हो? अगर नहीं हो तो भी क्या प्रॉब्लम है, बस प्यार होना जरूरी है। मैं श्रवण जायसवाल और ये साची मेरी बीवी। राइट, कश्मीरा जी, मैंने आपको जंगल में देखा था, मुझे बहुत पसंद आई थी। यस बॉस, जंगल हो, डेजर्ट हो, पानी हो, मैं हर सिचुएशन को हैंडल करना जानती हूँ। नाइस मीटिंग यू कश्मीरा। नाइस मीटिंग यू। वो कश्मीरा जी, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तुम्हारी इतनी स्वीट स्माइल पे मेरी जान हाजिर है। भैया आपके पास पेन है, पेपर? सो स्वीट। लीजिए। सांची राइट? जी। थैंक यू। थैंक यू। बाय। बाय। दो दिल, सिर्फ दो दिल। छोटे शहर के हनीमून कपल, शादी हुई है, प्यार होना बाकी है। देखो तुम अकेले कुछ भी करो, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। ओके? कैसी टिपिकल स्मॉल टाउनर्स वाली हरकत की तुमने। क्या ये जो ऑटोग्राफ मांगा अभी? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर आपको सचिन तेंदुलकर जी मिलते तो आप भी उनका ऑटोग्राफ लेते या नहीं लेते? डोंट इवन कंपेयर, सचिन इज गॉड। ओके? यही फर्क है श्रवण जी आप में और मुझ में। आप गॉड के ऑटोग्राफ लेते हैं और मैं उनके दर्शन करती हूँ और इंसानों के ऑटोग्राफ लेती हूँ। और आप जिनके ऑटोग्राफ लेते हैं ना, आप में उसके काम की इज्जत भी करनी चाहिए। आप नहीं कर सकते ना तो ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। समझे? हाँ, ये फर्क तो है हमें। एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। देखो हम दोनों अलग अलग रूम्स में रहेंगे। ओके? फिर तुम लोगों को इज्जत बांटती फिरो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। मिस्टर श्रावण जायसवाल। यार इट्स मी। नमस्ते। यू वेलकम सर। मैं धीरज मेहता, यहाँ का मैनेजर। मैं आपको ही एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? आप प्रताप जी के बेटे हैं राइट? हाँ। उन्होंने आपके बारे में कहा था। इनफैक्ट सर जब भी मुंबई आते हैं इसी होटल में रहते हैं। सर मैंने आपके और आपकी वाइफ के लिए यहाँ एक स्पेशल स्वीट बुक करके रखा है। मैम मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। इनफैक्ट मैंने प्रताप जी से प्रॉमिस भी किया था कि आई विल टेक बेस्ट केयर ऑफ योर बहू एंड बेटा। सामान ले आए प्लीज। आइए, यह है आपका रूम। और मैम आपको यहां से पूरा समुंदर दिखेगा। पसंद आया आपको? मैम किसी भी वक्त कुछ भी ज़रूरत हो तो रूम सर्विस या रिसेप्शन को फ़ोन कर लीजिएगा। मैंने आपका नंबर रिसेप्शन पे छोड़ दिया है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। यू हैव अ नाइस डे सर। यू टू। थैंक यू। जगह बेइज्जती कराती रहती। रिबन मेरा तुम जमीन पे कहीं लेट जाओ, मैं बेड शेयर नहीं करूंगा। क्या मेरे पापा ने पैसे दिए? वैसे आप सही कह रहे हैं। आफ्टर ऑल ये मेरे प्यारे ससुर जी के कमाए हुए पैसे हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरा बेड ऑर्डर कर देती हूँ। राइट? नहीं, मैनेजर को पता चल जाएगा। अब इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है ना। ये सब तुम्हारी चाल है ना, मैं अच्छे से समझता हूँ। तुम तो यही चाहती हो ना कि मैनेजर हिटलर को फोन करके सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता था। ना एडजस्ट करती हो और ना क्या ना मानती हो। क्या एक ही ब्लैंकेट है ना? दिस इज माइन। क्यों? नाम लिखा है। ये मेरा है। मेरा 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 दो। अपने घर वालों से भी ऐसी लड़ती थी? नहीं, मैं तो आपसे भी नहीं लड़ती थी पहले। अच्छा, मतलब मेरे साथ रहते रहते सीख गई। मैं तो सारे घर वालों का कहना भी मानता हूँ, वो तो नहीं सीखी तुम। सीखा ना, घर वालों का कहना तो मैं भी मानती हूँ।